माय गाइस, आज मैं एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ। प्लीज लाइक शेयर एंड शुक्रवार। अरे कहना क्या चाहते हो? शुक्रवार। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। गाइस कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो आज की ब्लॉग जो है शाम को स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि शाम के भी 5 बज रहा है और अभी हम खेत की तरफ घूमने आए हुए हैं। देख सकते हो पूरा चारों तरफ हरा भरा, खेतों की हरियाली काफी खूबसूरत लग रहा है। तो चलो बने रहिए ब्लॉग में। एंड चैनल में गाइस प्लीज अपने छोटे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले इसी प्रकार के न्यू ब्लॉग के नोटिफिकेशन जो है आप सभी को सबसे पहले पहुंचे। तो चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी खेत की तरफ घूमने के लिए आए हुए हैं गाइस, काफ़ी दिनों के बाद घर आए हैं। तो हमारा खेत घूमने के लिए आए हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है चारों तरफ हरा भरा। भाई साहब देख के तो मन गदगद हो गया मेरा। और देख सकते हो हमारे अभी खेत में पानी बहुत कम है गाइस, इस वजह से पानी चल रहा है। तो उसी को देखने के लिए हम आए हुए हैं, क्योंकि बारिश तो हो नहीं रहा है तो बोर से ही पानी हम डाल रहे हैं खेतों में, क्योंकि धान की बालियाँ जो है निकल रहा है इस वजह से। तो आगे चल के देखते हैं और उधर हमारा खेत आगे में और है, मतलब ये जितना भी दिख रहा है ना ये लगातार हमारा ही खेत है। तो आगे चल के देखते हैं और काफ़ी संभल कर चलना पड़ता है भाई, मेरे को बहुत डर लगता है सांप वगैरह का, क्योंकि ये भी बारिश का सीजन है ना, तो ये घास में चलना बहुत डर लगता है, कहीं से भी निकल के आ जाते हैं सांप वगैरह, चलते रहते हैं इस वजह से। तो थोड़ा सा संभल के चलना होता है। ये देखिए गाइस, इतना सारा हमने ककोड़ा यानी कि खेक्सी निकाल चुके हैं, और इसको इंग्लिश में स्पाइसी गार्ड भी कहा जाता है। तो देख सकते हो काफ़ी प्यारा लग रहा है भाई साहब, एंड इसको मैं पत्तल में रख लिया हूँ, ये देख सकते हो। तो गाइस अभी घर की तरफ चलते हैं, भाई रखते नहीं बन रहा है गाइस, कुछ इस प्रकार से मुझे रखना पड़ रहा है। घर पे आ चुका हूँ, जाओ हमारे निकिता से मिलिए। हेलो। तो अभी दुकान पे आ चुके हैं, ये देख सकते हो हमारा छोटा सा दुकान यहाँ पर है। देखिए गाइस कमर छट के लिए कुछ इस तरह से पूजा की सामग्री भी यहाँ पर उपलब्ध है, हर पेन होल्डर वगैरह है, टोकरी। तो अभी बाड़ी में आए हुए हैं गाइस, ये देख सकते हो ये है हमारा बाड़ी, और बाड़ी में हम लोग आए हैं नींबू तोड़ने के लिए। और ये देख सकते हो इधर नींबू का फल लगा हुआ है, छोटा सा पेड़ है, और ये पूरा अमरूद का पेड़ है, अमरूद का फल भी लगा हुआ है, अभी तोड़ते हैं आप लोगों को भी दिखाएंगे। हमारे साथ आई है निकिता और इधर सालू। ये गाइस नींबू का पेड़ देख सकते हो, काफ़ी थोड़ा सा छोटा सा है और फल लगने स्टार्ट हो चुका है, बहुत सा पेड़ है नींबू का, लेकिन इसमें ज़्यादा फल लगा हुआ है अभी, तो इसी में के तोड़ते हैं। अभी घर की तरफ चलते हैं, तोड़ लिए भाई नींबू। अभी घर में आ चुके हैं, अभी शाम के बज चुका है 6 और सनसेट फाइनली हो ही चुका है। तो चलो गाइस आज की इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आ होगा, अगर वीडियो पसंद आ होगा मेरे भाई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल में गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, लव यू टेल गाइस, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ जल्दी।